अस्सलामुअलैकुम कानूनदान के साथ मैं हूँ रिजर्व जमीन और आज हमारे साथ कानूनदान मैडम जस्टिस नासिरा इकबाल हैं। आपको किसी तारीफ की ज़रूरत नहीं, आपसे आपके बारे में जानते हैं। मैम हमें अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। प्री मैरिज लाहौर की ख़ानदान था और मेरे वालदैन जो थे ये भी सब कलम कबीले के ही लोग थे। मेरे वालिद ने पहले से हिंदुस्तानी जिन्होंने जो सुएज़ है ना वहाँ से PhD की थी एंड देट वॉज़ इन 1934 और उस वक्त इसको स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ कहते थे SOS, अब हो गया SOAS स्कूल ऑफ ओरिएंटल नेशन स्टडीज़। और जो मेरे दादा थे उन्होंने यहाँ से किया हुआ था MA पर्शियन में पंजाब यूनिवर्सिटी से और उन्होंने सैयद अली हजबेरे की कशफुल माजूब का तर्जमा किया था और उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस लगाया था मेरे परदादा ने इन दी 1890s पहले मुसलमान थे जिन्होंने लगाया था और फिर मेरे दादा ने उसको ज़्यादा आगे बढ़ाया। फरोज सन्स का आपने नाम सुना होगा, फरोज वॉज माय दादा और मेरे वालिद थे चेयरमैन फरोज सन्स के और बेशुमार किताबें पब्लिश करते थे ख़ास तौर पर बच्चों की किताब। लेकिन फिर मेरी जो थी दादी वो बहुत हो गई थी मेरे वालिद की बचपन में ही चाइल्ड बर्थ 9वां बच्चा था तो मेरे दादा ने एक ट्रस्ट बनाया कि इससे जहाँ जहाँ भी हमारी बिजनेस है वहाँ पे साथ लोगों का इलाज मुफ्त होगा डिस्पेंसरी। लेकिन जब हम लोगों की शादी हो गई तो फिर मेरी वालदा कहने लगी कि ये जो है बच्चों का और माओं का उनका तहफ़ वो सिर्फ हस्पताल में हो सकता है। तो फिर ये फ़ातिमा फ़िरोज़ हस्पताल उन्होंने बनाया, अपने तमाम इमलाक के लिए उसमें, जिसको अब फातिमा मेमोरियल हस्पताल के नाम से पुकारा जाता है। वो मेरी दादी थी फातिमा। तो ये तो मेरे हैं मेरे ददियाल। और उसके बाद मैंने यहाँ से कनेट कॉलेज से किया BA, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने LLB भी किया, LLM भी किया। फिर जब मेरे बच्चे गए बाहर पढ़ने के लिए मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और वहाँ से मैंने LLM डिग्री हासिल की। ये 1986 में थी जिस वक्त मेरे बच्चे बड़े हो गए थे, वो भी यूनिवर्सिटी में थे। ये दोनों पेंसिल्वेनिया में थे, दो बेटे हैं मेरे और मैं हार्वर्ड में थी। तो ये है कि एक हफ्ता एक आ जाता था, दूसरा हफ्ता दूसरा आ जाता था और तीन हफ्तों के बाद मैं जाके इनके साथ वीकेंड गुजारती। तीसरा ये था कि वहाँ बाहर होने के बावजूद उसको ये ख्याल था कि माँ भी हमारे साथ। तो इस तरीके से मैंने अपनी सारी तालीम पूरी की। बस ये तो इत्तेफाकी हो गया कि एक दफ़ा मैंने अखबार में देखा कि इश्तहार निकला हुआ था कि जी LLB पार्ट वन के इम्तहानों का आप फीस जमा करा दें। मैंने फ़ीस जमा करा दी, किताबें जाके ले ली बाज़ार से और इम्तहान दे दिया। सेकंड मेरी पोजीशन आ गई। तो अगले साल उसी तरह, उन ज़मानों में 2 साल का होता था, अगले साल मैंने LLB का इम्तहान दिया, उसमें भी सेकेंड पोजिशन आई। स्कूल कॉलेज में तो मैं हमेशा फ़र्स्ट आती थी लेकिन ये दोनों इम्तहान क्योंकि प्राइवेटली किए और घर में ही किए और एक महीने के अंदर ही तैयारी की तो आई गॉट सेकंड पोजीशन पोस्ट कर। और उसके बाद ये लीगल डिग्री लेने का फ़ायदा है कि आपको पता है कि आपके हकूक़ क्या हैं, आपके फ़राइज़ क्या हैं और फिर आप दूसरी ख़वातीन को भी बता सकते हैं जो भी उनके मसाइल हैं। और ख़वातीन को हमारे यहाँ बहुत मसाइल होते हैं, आपको पता है कि यहाँ घरेलू तशद्दुद कितना होता है, औरतों की मारपीट होती है और पदरसरी निज़ाम है। मर्द समझते हैं कि जो भी है हमारा इख्तियार हर चीज़ पे होना चाहिए, घर के हर फैसले में वही अपना रखते हैं। बीवियों को जो है कभी मेके नहीं जाने देते, अगर उनके पास कोई छोटी मोटी चीज़ है तो वो भी वो काबू कर लेते हैं। तो इस तरीके से औरतों को तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। फिर अगर उनको गुजारा नहीं होता तो तलाक़ लेने का उनको पता नहीं होता या उनसे अपने शौहरों से सुलह करने का भी सही नहीं होता जहाँ बराबरी का उनका हो। तो इन तमाम कामों में फिर मैंने कुछ ना कुछ करती रही क्योंकि मेरे शौहर तो थे पहले चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट में चले गए तो मैंने प्रैक्टिस नहीं की बिल्कुल। मैंने कहा ऐसे काम खा लोगों को होती है गलत फहमी कि देखो जी एक तरफ तो शौहर जो है वो जज है और बीवी जो है प्रैक्टिस करे। मैंने प्रैक्टिस तब शुरू की जब मेरे शौहर सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए। जो पाकिस्तान में हाई कोर्ट की जजेस मुकर्रर हुई थी, बेनज़ीर की हुकूमत आई थी तो बेनज़ीर के पास इतनी वाज़ह अक्सरियत नहीं थी कि वो कोई ख़ास कानून साजी कर सके ख़वातीन के लिए। लेकिन उन्होंने ये किया कि सर्विसेज में
خواتین کو شامل کیا اور پھر یہ کہا کہ میں نے ہائی کورٹ کی ججز ضرور بنانی ہے. تو کراچی میں ایک بنی ماجدہ رضی, ایک پشاور میں بنی خالدہ راشد اور تین لاہور میں, اور ان تینوں میں ایک میں. میم جب آپ اپوائنٹ ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں, تب کے سسٹم میں اینڈ بائی دا ٹائم جتنی ریٹائرڈ کتنا فرق آ چکا تھا؟ دیکھیے, ہر نظام میں تبدیلی تو آتی ہے اور قانون ایک ایسا شعبہ ہے جس میں تبدیلی آنا لازمی ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں ویسی تبدیلی آئی نہیں جیسی آنی چاہیے. ہمارے ابھی بھی قوانین زیادہ تر وہی ہیں جو انگریزوں نے, جب برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی ختم ہوئی اور برٹش امپائر بن گیا اور ہم لوگ ان کے غلام ہو گئے, تو انہوں نے ہر موضوع پر اپنے قوانین بنائے, دیوانی, فوجداری اور دیگر ہر قسم کے. اور یہ 1860 کے 1857 میں ہم ہار گئے تھے نا جنگ آزادی, پھر 1860 تک انہوں نے ہر قسم کے قوانین بنائے جو برٹش پارلیمنٹ نے پاس کیے اور یہاں پاکستان میں بعد میں رائج رہے. ہندوستان میں تو تبھی رائج ہو گئے نا, تو جب پاکستان بنا تو پاکستان میں بھی وہی قوانین رائج رہے اور بہت کم تبدیلیاں ہم ان میں لا سکے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیے کہ 1860 سے لے کے اب تقریباً 150 سال سے زیادہ ہو گئے, اور قانون میں تو تبدیلی زیادہ ہونی چاہیے. اب یہ دو پارٹیاں تو کہتی تھیں ہم کریں گے, اب یہ تیسری پارٹی آئی ہے, دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں. جی ہاں, میں پڑھاتی ہوں. بس ہمارے یہاں اصل میں شروع سے یہ رہا ہے طریقہ کار, جیسے اسکول کالج میں ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو خلاصے دے دیتے ہیں یا وہ خود بازار سے خلاصے لے لیتے ہیں اور ان کو یاد کر لیتے ہیں, تو جو جواب سوال ہوتا ہے اس کا جواب جو ہے نا کہ جی یہ کیا چیز ہے یا اس کی کیا ہے ڈیفینیشن, کیا ہے اس کی تعریف, کیا ہے اس کے آپ ہمیں خاصائل بتائیں, تو اس طرح کے جواب جو ہوتے ہیں نا سٹیریو ٹائپ کو دیتے ہیں. لیکن اب جب میں ہارورڈ گئی میں نے دیکھا وہاں پرابلم سالونگ ہوتے ہیں تمام امتحان, اور خاص طور پہ دیکھیں وکالت میں تو یہی ہے آپ نے اگلے کا مسئلہ حل کرنا, تو وہ آپ کو ایک سوال دیتے ہیں اس شکل میں کہ اگر اس طرح کی صورت ہو اور یہ تنازع ہے تو آپ اس کو کیسے حل کریں گے, اور کتابیں آپ کو لے جانے کی اجازت ہے, ہر کتاب آپ اپنے اس میں لے جا سکتے ہیں ایگزامینیشن میں. اور بلکہ یہاں تک ہے کہ آپ کو کہتے ہیں اچھا جی آپ جمعے کے دن لے جائیے گھر امتحان, اور پیر کے دن اس کو جواب تیار کر کے تو لے آئے, تو تین دن کے لیے آپ کے پاس ہوتا ہے. کئی دفعہ آپ کو 10 دن کے لیے بھی سوال دیتے ہیں اور کہ آپ وہاں سے گھر سے حل کر کے لے آئے, اور اس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کا آپ نے حل تلاش کر. تو پرابلم سالونگ ہمارے یہاں ایسا ابھی تک نہیں ہوا, کچھ لمز میں میں نے سنا ہے اب کچھ کیس اسٹڈی میتھڈ استعمال ہوتے ہیں, میرا بیٹا وہاں پڑھاتا رہا ہے ابھی بھی پڑھا رہا ہے, تو وہاں پہ کچھ انہوں نے وہ پیٹرنز استعمال کیے ہیں جو اور ممالک میں ہوتے ہیں, اور ہمیں بھی چاہیے کہ اس میں تبدیلی لے کے آئے. تو اب تو یہاں پہ سارا تعلیم کا جو ہے نظام اس میں تبدیلی آ رہی ہے. پچھلے دنوں پنجاب یونیورسٹی نے اپنی الومنائی کی بہت بڑی پہلی دفعہ کی تھی میٹنگ, اور اس میں یہی بات ہو رہی تھی اس نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, انشاءاللہ ہوگا. میڈم, ڈو یو اگری ود دی سٹیٹمنٹ دیٹ ججز پلے ا ویری سگنیفیکنٹ رول ان دی لا میکنگ ان ا کنٹری اور پرٹیکولرلی پاکستان؟ دو قسم کے ہوتے ہیں قانون سازی, ایک تو ہوتا ہے جو مقننہ بناتی ہے, مقننہ ہے لیجسلیچر, تو لیجسلیچر کا تو کام یہ ہے کہ وہ قوانین جو ہے وہ پاس کرے اور ان کے اوپر پھر جو ہے انتظامیہ وہ ان پہ عمل کرے, اور اگر کوئی غلط قانون بنے یا انتظامیہ اس کی غلط تشریح کرے یا غلط اطلاق کرے اور شہریوں کو اس سے کوئی تکلیف پہنچے تو پھر داد رسی کے لیے ہوتی ہے عدلیہ. تو عدلیہ جو ہے اس کو کہتے ہیں دنیا بھر میں دی لیسٹ ڈینجرس برانچ, کیونکہ وہ کسی کو ضرر نہیں پہنچاتی, وہ لوگوں کو داد رسی دیتی ہے یا ان کا فائدہ جو ہے اس کو دیکھتی ہے. تو یہ کام زیادہ تر جو ہے قانون سازی یہ تو مقننہ کا ہے, لیکن جو اپنی عدالت عظمیٰ ہے یعنی سپریم کورٹ, اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے فیصلوں میں نیا قانون جو ہے وہ جاری کرے یا تشریح اس انداز میں کرے کہ نئی قانون سازی ہو جائے. ہائی کورٹ کو بھی اس بات کا اختیار ہے, لیکن سپریم کورٹ جو ہے اس کا یہ اختیار ہے. تو دو قسم کی قانون سازی ہوتی ہے, ایک جو عدالت میں فیصلے میں کرتی ہے عدلیہ, اور دوسری جو ہے وہ مقننہ. لیکن زیادہ تر
ये जो है कानून साजी ये मुकन्नना का काम है, और अगर अदलिया कोई ऐसा कानून बनाए जो लोगों को पसंद ना आए या वो समझें कि ये ज़्यादा सख्त भीड़ है, तो मुकन्नना उसके ऊपर कानून बना सकती है नया, जिससे वो पहला कानून जो है वो ज़ाहिर हो। मैम, पाकिस्तान में जो पैरेलल जस्टिस सिस्टम को क्रिएट करते हैं, उसके बारे में आपका क्या राय है? यहाँ पे असल में हमारे जो पुराना सिस्टम चलता है वो तो था गिरगा और पंचायत, और वो उसमें औरतों का कोई हिस्सा ही नहीं होगा, बिल्कुल ही उनको बुलाते ही नहीं थे, उनको सुनते नहीं थे, और सज़ाओं में औरतों के ऊपर सज़ा ज़्यादा होती थी। मसलन ये जो हो गया सिलसिला कि भी अगर किसी आदमी ने मार दिया किसी और कबीले के किसी शख्स को, तो फिर उसको सज़ा जो देने का तरीका था, जिसने मारा उसकी बहन को भेज देते थे उस कबीले में जहाँ पे वो मकतूल था, यानी कि जो बंदा मारा गया था, तो उसको तो सज़ा सारी उम्र मिलती थी, कि वो ऐसे लोगों के घर में रहती थी जिनके दिल में ये बात थी कि इसके भाई, इसका भाई कातिल है और उसने हमारे बच्चे को मारा है, तो ये तो एक बहुत ही बुरी बात है। दूसरा ये था कि आपने मुख्तारा माई का केस सुना होगा कि ऐसे ही बात बना ली एक कबीले ने कि जी हमारे लड़की के साथ कोई इश्क लगा लिया मुख्तारा माई के कबीले के बच्चे ने, हालांकि वो 10 साल का था और वो लड़की जिसकी बात हो रही थी वो तकरीबन 20 साल की थी। तो फिर वो जिरगे ने ये फैसला किया कि मुख्तारा माई जो है इसको गैंग रेप किया जाए, हालांकि ये तो बिल्कुल ही नामाकूल बात थी और ऐसी हुई, और ये जो बात थी ये सारे पाकिस्तान में इस अशर नशर हुआ, और फिर इसको हाई कोर्ट ने इसका नोटिस दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस दिया कि इस तरीके की होनी नहीं चाहिए फैसला साजी, जिसमें औरतों को एक किस्म की सज़ा मिलती है उस काम के लिए जो उन्होंने किया भी नहीं होता। तो फिर तो ये एक बैन हो गया था कि ये जो पैरेलल जस्टिस सिस्टम है जिरगे की और पंचायत की, जिसमें फैसला कानून के मुताबिक नहीं होता, वो अपनी मर्ज़ी से फैसला कर देते हैं, वो तरीका कार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी यहाँ हर जगह तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाके देख तो नहीं सकता, तो अभी भी होता है ऐसे कि वो पैरेलल लीगल सिस्टम पंचायत का और जिरगे का चलता है, जिसमें जो जागीरदार हैं या बड़े बड़े ज़िम्मेदार हैं वही फ़ैसला लोगों की किस्मतों का कर देते हैं, और उसमें से सज़ाएं औरतों को ही मिलती है, हालांकि जो है जुर्म करने वाले वो मर्द हो। मैम, पाकिस्तान की जुडिशरी में आपको कितना हद तक डाइवर्सिटी नज़र आती है? अब तो काफ़ी है डाइवर्सिटी, इस तरह कि अब देखिए कानून के बहुत से शोबे हो गए, एनवायरनमेंट है, रेंट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसको कॉपीराइट कहते हैं, फिर और कई किस्म के शाखें हैं कानून की। तो अब तो हमारे हर कोर्ट में, ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट जो पंजाब का बड़ी अदालत है, इसमें तो 60 जजेस हैं तकरीबन, तो 2-3 जजेस जो हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से डील करेंगे, कुछ क्रिमिनल मैटर्स से डील करेंगे, कोई रेंटल मैटर्स से डील करेंगे, और कुछ एनवायरनमेंट से करेंगे। इस तरह इन्होंने आपस में बांटे हुए हैं, चीफ जस्टिस जो है वो बेंचेस इस तरह तशकील देते हैं कि फ़र्क फ़र्क बेंचेस जो है वो फ़र्क शोबों में अपना फैसला साजी करती हैं, फिर वो जो जजेस जो हैं वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, तो डाइवर्सिटी तो इस तरह होती ही है। मैम, आपकी शादी इस खानदान में हुई, पूरा पाकिस्तान जो है मानो तो उसके बारे में हमारे साथ कुछ कहते हैं? खुद ही जैसे आपने बयान कर दिया कि ऐसा ख़ानदान है जिनके पाकिस्तान के हर घर में जिनका जिक्र होता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है, लेकिन मैं इस वक्त क्रेडिट तो नहीं ना ले सकती, कोई भी हो सकता था मेरी जगह, ये तो इत्तेफाकी अमर है कि मुझे अल्लाह ताला ने ये एक एजाज़ दिया, और है बहुत बड़ा एजाज़, लेकिन बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी होती है कि भाई कोई ऐसी बात ना हो जिससे लोग उंगली उठा के कहें कि अगर अलामा इकबाल के ख़ानदान के अफराद ये करते हैं तो बाकी लोगों को क्या। अब जो कुछ हम सुनते हैं कि आजकल सियासी लीडर कर रहे हैं, अब मैं तो रोज़ दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला महफूज रखना मुझको, मेरी औलाद को, और कभी उनको किसी गलत शैतान तो वरगला लेता है हर एक को, ना ऐसा हो, क्योंकि देखें लोगों के एक जहन में एक तखयल होता है, उन्होंने आइडलाइज़ किया होता है, तो फिर उसको इस तरीके से अगर बात हो तो वो तो ज़ाहिर है बड़ी तकलीफ से होती है। मैंने तो आपको बता रही हूँ ना, मैंने तो प्रैक्टिस ही नहीं की, हालांकि मेरे पास डिग्री थी लॉ की, जब तक मेरे मियाँ चीफ जस्टिस से रिटायर हो गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गए, तो मैंने तो बड़ी एक लेट उम्र में प्रैक्टिस शुरू की, व्हेन ही वाज आउट ऑफ ऑल द कोर्ट्स देन आई स्टार्टेड।
इसलिए कि किसी को ये गलत फहमी ना हो कि जी उधर तो शोहर जज है उधर बीवी जो है वो केस कर रही है, क्योंकि उनको ये होता है कि ये शायद पैसे लोग ज़्यादा देते हैं या इस तरह की बातें होती है। इट शुड बी फ्री, इनको किसी का वो नहीं लेना चाहिए असर, और फैसला हमेशा अपने अपने ज़मीर के मुताबिक करना चाहिए। मैं तो खैर इतनी लंबी मेरी जजशिप थी नहीं, लेकिन मैं तो हमेशा हर रोज़ सुबह जब बैठती थी तो मैं अल्लाह ताला से पहले ये दुआ मांगती थी कि अल्लाह ताला मुझे गलती से बचाना, फैसला ऐसा हो जो इंसाफ के तरीन हो। लेकिन मुझे ये भी तसल्ली थी कि अगर मेरे से कोई गलती हो भी जाए तो मेरे पास सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी तस्दीक कर सकती है। अब जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं उनके लिए तो देखें कितनी बड़ी आजमाइश है कि इस दुनिया में उनका फ़ैसला हतमी है, उसके बाद और किसी का फ़ैसला नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा एक आपके लिए आजमाइश होती है मैं समझती हूँ, लेकिन मैंने तो कभी किसी का असर नहीं लिया। तो देखिए जो फ़ैसला करना है अपने ज़मीर के मुताबिक करना, किसी को अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता तो आप अगले अदालत में चले जाएँ, तो इतनी सी तो बात है। मैम आपके यहाँ से लीगल प्रोसीडिंग्स का जो पूरा फिक्शन है उसको स्पीडअप किस तरह किया जा सकता है? इसके लिए तो बहुत तवज्जो की ज़रूरत है, और ये 1960s में ख़वातीन के जो केसेस हैं उनमें तो बहुत पेशरफ हुई कि मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस बना जिसमें ख़वातीन जो देहातों में होती हैं उनको शहर आने की ज़रूरत ही नहीं, वो अपने यूनियन काउंसिल में जाएँ और वहाँ अपने छोटे छोटे जो मसले हैं ख़ानदानी उनको हल कर लें। मसलन बच्चों का खर्चा माँ ले सकती है, अपना खर्चा ले सकती है, दूसरी शादी की इजाज़त आपको यूनियन काउंसिल से लेनी है, तलाक के लिए रजिस्ट्रेशन यूनियन काउंसिल में होती है। इसलिए अदालत में जाए बगैर आप इनफॉर्मली अपनी दहलीज से फैसला ले सकते हैं। और फिर उसके बाद फैमिली कोर्ट एक्ट बना 1964 में, जिसमें ये आसानी हो गई कि औरतों के लिए औरत जज हो, हर ज़िले में उन्होंने कहा एक जज औरत हो, उससे बहुत सी जजेस औरतें बनी और बहुत सी औरतें प्रोफेशन में आईं। अब तो इतनी ज़्यादा हो गई तो उनका है कि हर ज़िले में दो औरत चाहिए, तो ये बड़ा अच्छा है इसलिए कि औरतों को पता होता है कि औरतों के मसाइल कैसे हल करने हैं। और फैमिली कोर्ट में ये है कि उन्होंने बहुत उसका प्रोसीजर जो है वो कर दिया है स्पीडी, कि आप आएँ तो 3 दिन के अंदर जो है नोटिस दूसरी पार्टी को मिलना है, उसने 15 दिन में हाज़िर होना है, फिर अपना जवाब दाखिल करना है, 6 महीने के अंदर अंदर अदालत ने लाजमी फैसला कर देना केस का, और अगर ना हो तो फिर हाई कोर्ट उसका नोटिस ले लें। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी फीमेल जज अपॉइंट नहीं होगा? इंशाल्लाह होगी 2019 में, क्योंकि हमारी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस भी कभी औरत नहीं हुई, तो पहली दफ़ा वहाँ पे बलूचिस्तान सोचें जो हमारा सबसे समझा जाता है कि ये एक बैकवर्ड सूबा है, वहाँ पे खातून बनी है इस वक्त चीफ जस्टिस, और वो इंशाल्लाह 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जाए। तो ये इंशाल्लाह पहली दफ़ा होगा कि एक खातून जाए सुप्रीम कोर्ट में, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए कि सारी अदालतें और तमाम कानून का जो है डिसिप्लिन वो मर्दों के कंट्रोल में, और मर्द इस बात को अच्छा नहीं समझते, लेकिन अब तब्दीली आ ही रही है इंशाल्लाह। मैम व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जज डिफिकल्ट थिंग अबाउट डूइंग इट? मुझे तो जज होना मुश्किल नहीं लगा, इसलिए कि वकालत में जब आपके एक दिन में 5-6 केस होते हैं ऐसे कि जैसे आप 5-6 इम्तिहान देने जाए, और हर इम्तिहान के पर्चे की आपने एक दिन पहले ही तैयारी करनी है, या अगर आपने पहले बुक किया हुआ है 15-20 दिन तो ये सारे इम्तिहान की तैयारी करके आपने जाके और बहस करनी है। लेकिन जब आप जज हैं ना तो फिर तो आप एक किस्म का जैसे टेनिस में या क्रिकेट में या दूसरी खेलों में रेफरी होता है ना, हमारे जज रेफरी होते हैं, इधर से बहस करता है मुद्दई का वकील, मुद्दई होता है प्लेंटिफ, और दूसरी तरफ से करता है मुद्दा अलग डिफेंडेंट का वकील, तो बस वो आप उनकी बातें सुनते हैं, कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, किसकी बात जो है कानून के मुताबिक है किसकी नहीं है, और आपने फैसला सादर कर देना। तो निस्बतन मैं समझती हूँ जज का काम इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि आपको तवज्जो ज़रूर देनी है कि जी जो काम है आप फैसला जो है वो सही कर रहे हैं और कानून के मुताबिक कर रहे हैं, और उसमें कोई आप अपनी ज़ाती जो है फीलिंग्स या सेंसिटिविटीज या आपके माइंडसेट उसको मुदाखलत नहीं करते। पहले तो ये है कि जब लॉयर कोई बने तो तभी जज जा सकता है,
तो लॉयर ने तो ये करना है कि जो अपना साइल है, साइल होता है जो आपका जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी पहले पूरी बात समझ लेंगे। अब तो ऐसा होता है कि तवज्जो ही नहीं ख़ास तौर पर देते। मैं तो हमेशा ये करती थी कि पहले उनको कहती थी कि अगर तुम पढ़े लिखे हो एक लिख के मुझे बताओ कि तुम्हारा बयानिया क्या है, क्या तुम्हारा मसला है, और अगर पढ़े लिखे नहीं थे तो मैं खुद लिख के रख लेती हूँ अपने सामने कि क्या है, और फिर मैं पढ़ के सुनाती थी कि भाई ये बात है कि हाँ। एक तो ये है कि उसके जहन में और मेरे जहन में एक बात से इत्तेफाक हो गया कि मसला है क्या, फिर आपने उसकी तैयारी करनी है और आपने तैयारी कानून के मुताबिक करनी है। आपने किसी को गलत रास्ते पे नहीं ले जाना, ख़ास तौर पे आपने जज को गुमराह नहीं करना। लॉयर का बड़ा बहुत बड़ा हाथ होता है फैसला साजी में, और कहते हैं ना द लॉयर एंड द जज दे आर टू व्हील्स ऑफ द सेम कैरियर। तो अगर गलत करेगा बहस या गलत दलाइल पेश करेगा या गलत बताएगा बातें वकील, तो फिर जज को फैसला करने में मुश्किल पेश आएगी और कई दफ़ा उसको गलत बिल्कुल ही कर दिया जाता है गाइड, तो इसके फैसला सही होने का इम्कान जो है वो कम हो जाता है। तो ये तो जज वकील का बहुत बड़ा किरदार है, और उनको हमेशा जब अदालत में जाएं तो ये ख्याल रखना है कि तारीखें नहीं कर। अब तो ये होता है ना, हर पार्टी को ये ख्याल होता है कि वकील को कि जी मेरे केस जो है मेरे साहिल का वो कमज़ोर है दूसरे का अच्छा, तो तारीखों पर तारीखें लेते जाते हैं, फैसले ही नहीं करते। और अब तो एक नया आ गया, इधर भी इन्होंने किया हुआ है धरना डाला हुआ है, उधर भी धरना डाला हुआ है, ये करना है वो करना है, ये वकालत नहीं है, ये तो दहशतगर्दी है। अब तो लोग वकला को कहते हैं वकला गर्दी हो रही है। तो मैं समझती हूँ ये हमें इसमें ज़रूरी है कि हम अपनी जो है ना वो सिम्त जो है उसका तयन सही करें, और मुझे यकीन है कि जो सुन रहे होंगे मेरे वकील भाई बहन वो इस बात को पसंद नहीं करेंगे, लेकिन असलियत तो ये है ना, असलियत को हमेशा हमने सामने लाना है। और कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि आप ये देखते हैं ना कितने बड़े जुलूस निकले हुए हैं वकीलों के, धरने रखे हुए हैं, काले कोट पहन के ना कोई भी बैठ जाता है। वो एक बनी हुई थी ना पिछले दिन फिल्म भी मैंने देखी थी क्या समथिंग एक्टर एट लॉ, जो वकील था ही नहीं और वो जाके अदालत में दलाइल भी देता था और सब कुछ करता था। तो ये कई दफ़ा वकला ऐसे ही जो है आम पहन लेते हैं कोट और कहते हैं हम वकील। तो ये सारा है ना, बार काउंसिल को थोड़ा ज़्यादा सख्त डील होना चाहिए, और जो एक साल कोई केस ना करे उसका लाइसेंस उसको नोटिस देके सस्पेंड कर दे। तो भाई जब तक तुम सही तौर पे वकालत नहीं करते, तुम्हारी डिग्री ठीक नहीं है, तुमको हम लाइसेंस का इस्तेमाल नहीं करते। तो कहते हैं इतने ज़्यादा वकील हो गए हैं, इतने ज़्यादा केसेस नहीं हैं, इसलिए बस हर किस्म की उठपटांग काम शुरू कर, और ये बड़ी हमारे लिए एक मुश्किल है, ऐसा होता नहीं। मैं जज को क्या मशवरा दे सकती हूँ, जज तो हर एक जो होता है ना वो अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करता है, बस वो यही है कि फैसला जो भी हो वो अपने ज़मीर के मुताबिक हो, किसी के दबाव के तहत ना हो। आपने ये नहीं सोचना कि ये मेरा रिश्तेदार है या मेरा ये है, अगर कोई आपका रिश्तेदार है या आपका कोई भी जानने वाला है उसका केस तो आपने करना ही नहीं, ये एक तो असूल है। अगर आपके सामने कोई केस जज के सामने ऐसा आ जाता है जो अपने अजीज रिश्तेदार या करीबी दोस्त का, तो वो कह देते हैं कि जी हमने ये केस किया। दूसरी बात यह है कि जो भी आपने फैसला करना है दोनों फरीकैन की पूरी बात सुनें, ताकि किसी को ये ख्याल ना हो कि जी मेरी बात सुने नहीं। और तीसरा ये है कि जो भी फैसला हो वो कानून के दायरे के अंदर और हकायक पर मबनी हो, कि हर जज को पता होता है मैंने किसी को क्या मशवरा दिया। बस मैं समझती हूँ ये है कि इंसान को पूरी तरीके से ये इस बात का एक एहसास होता है कि आपके हकूक क्या हैं और आपके फ़राइज़ क्या हैं। और मुझे तो ये बहुत बड़ा इसका फ़ायदा हुआ कि कितने साल से मैंने प्रैक्टिस नहीं की बावजूद जिससे कि मेरे पास डिग्री थी, तो ख़वातीन जिनको कोई मसाइल होते थे उनको मैंने जनरली बताया हुआ था। इंटरनेशनल वेमेंस क्लब की मैं प्रेसिडेंट रही, कनेड कॉलेज की ओल्ड स्टूडेंट्स यूनियन की मैं प्रेसिडेंट रही, इतना फ़र्क फ़र्क इदारों में मुझे मौका मिला। मैं सबको कहती थी अगर किसी को कोई कानूनी मसला हो तो मुझसे पूछ लो। मैं तो समझती हूँ ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक इनाम था कि मैंने किया कानून का, मैंने जब इल्म हासिल किया तो मैं लोगों को उसके साथ कुछ ना कुछ उनको यहाँ बड़ी भी कर सकी। और अब तो मैं समझती हूँ कि ये जो है ना बच्चों को पढ़ाना, बच्चे तो नहीं है खैर 20 साल से ऊपर उम्र के हैं तमाम,
जिनको भी मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ जो कुछ मैंने सीखा ये अल्लाह ताला अगर मुझे मौका दे जितनी देर मेरे होश आवाज कायम है कि मैं औरों को कम से कम अपने तजुर्बे की बिना पे जो भी कुछ बता सकूँ वो बता दूँ। क्योंकि अगर आप एक इल्म हासिल करें और अपने पास रख लें ना, तो ये ऐसे है जैसे कोई शख्स बकील है कि उसने एक दौलत कमाई और उसको छुपा दी, असल में तो है ही ये। तो इल्म तो कहते हैं आप जितना बांटें उतना बढ़ता है। अब मैं जाती हूँ बच्चों को पढ़ाने, नई नई चीज़ें निकली हुई हैं ख़ासतौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, बहुत सी चीज़ें मुझे पता ही नहीं है, वो मुझे बताते हैं कुछ मैं उन्हें बताती हूँ, तो ये जो होती है ना इंटरेक्शन आपस में, इसका मैं समझती हूँ शायद इस उम्र में अभी भी मैं मेरे होश और वॉइस तकरीबन कायम ही है और उसकी वजह यही है। मैम आप हमारी यंगस्टर्स से क्या बात करें? आधी आबादी जो है हमारी इस वक्त वो नौजवानों के मुस्लिम है, उनके आधी से ज़्यादा, और वोटर भी मेरा ख्याल है 60% से ज़्यादा यंगस्टर्स हैं। और ये जो मुल्क को आगे चलाना है ये तो काम ही नौजवानों का है, तो मैं समझती हूँ नौजवान जो हैं वो हैं भी बड़े पुरजोश। हम लोगों की जो थी ना जनरेशन, उनको कहा जी पाकिस्तान मिल जाए चलो जी बस जो मर्जी अब कर, लेकिन लोगों को अब मैंने देखा है नौजवानों को बहुत एहसास है कि उनकी कितनी ज़िम्मेदारी है, और वाकई है भी उन्हीं की ज़िम्मेदारी कि इस कौम को आगे सही सतूर पे कैसे ले जाना है, क्या कायद आज़म ने हमारे लिए सुनहरी असूल बनाए थे, क्या अल्लामा इकबाल की सोच थी, क्या उनका ख्वाब था, ये सब कुछ अगर बच्चे जान गए, और मैं समझती हूँ उनमें है तजस्स कि वो जानना चाहते हैं और वो फिर उस पर अमल भी करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला तौफीक सबको दे कि वो याद रखें कि इस कौम की किस्मत उनके हाथों में और इसको आगे ले कर चलना उन्हीं का काम। Thank you so much, madam. So with this, we end our program, and I hope you have a nice day. Thank you so much. आपका शुक्रिया।